तो अभी झारखंड की राजनीति में जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जी की याद आ रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है और उन्होंने काफी वक्त पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जिस तरीके से अपनी बातें बोलकर चेताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर उनको किस तरीके से संभल कर चलना चाहिए, और कहीं ना कहीं आज उनकी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती नजर आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर चीजों को अच्छे से ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम आया था और यहाँ पर यह पुष्टि हो भी चुकी थी कि कहीं ना कहीं अब इस बात की गारंटी है कि यहाँ पर चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बनकर ही रहेंगे, तो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जी ने चंपई सोरेन को काफी बार अपने स्टेटमेंट्स के जरिए चेताने की कोशिश की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर वो हद से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों पर या फिर कांग्रेस पार्टी पर या फिर इंडिया गठबंधन पर इतना ज्यादा भरोसा ना करें, वरना इनको भविष्य में देखा जाए तो इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं जिस तरीके से बागी वाले तेवर दिखा रहे हैं, कोई दिल्ली जाने के लिए रेडी है, कोई बेंगलुरु, यहाँ पर तो जयपुर की भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बाबूलाल मरांडी की जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पर सच साबित होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है वो बद से बदतर होती जा रही हैं, तो ऐसा अभी लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा है कि कोई भी विधायक जो है वो सुनने और मानने को तैयार है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं जेएमएम की भी बहुत बड़ी गलती है, जब आप काफी सारे मंत्रियों के नाम शामिल कर रहे हो फिर अचानक से उसको काट दे रहे हो उन सभी नामों को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी तो होनी ही थी। खैर अब यहाँ पर चीजें जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर बाबूलाल मरांडी या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से चंपई सोरेन को बार बार यहाँ पर देखा जाए तो अलर्ट किया था, और कहीं ना कहीं वो चीजें अब यहाँ पर धरातल पर होती हुई नजर आ रही हैं, और इसको लेकर काफी सारे स्लोगन्स भी बोले गए थे जो कि यहाँ पर सच साबित होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर अब लगता नहीं कि चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं अगर यहाँ पर जेएमएम जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की बात अगर मानती है तो ही यहाँ पर चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं, पर यहाँ पर चंपई सोरेन और बाकी जो जेएमएम के विधायक हैं उनके स्टेटमेंट से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की बातें मानने को यहाँ पर राजी हो भी जाएंगे। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।